लॉकडाउन में रियायत के तहत सरकार की ओर से नई गाइडलाइन के तहत रेस्टोरेंट और होटल इंडस्ट्री को डाइनिंग इन की इजाज़त दे दी गई है। लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर वरिंदर कुमार शर्मा ने बताया कि इस दौरान क्षमता के 50% या 50 से अधिक व्यक्ति जो कम हो होटल या रेस्टोरेंट में बैठकर खाना नहीं खा सकेंगे। सरकार की ओर से जारी की गई हिदायतों के साथ साथ लोगों को इस दौरान नियमों का पालन करने की भी एडवाइस दी जारी की गई है ताकि किसी को भी संक्रमण ना फैले। उन्होंने उक्त बातों का जिक्र करते हुए कहा कि होटल इंडस्ट्री को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क इत्यादि व अन्य नियमों का पूरी तरह पालन हो, अन्यथा पुलिस प्रशासन को कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ेगा। होम डिपार्टमेंट पंजाब सरकार वालों आज एक इंपॉर्टेंट हिदायत आई है। मैं सारे लुधियाना वासियों को एक गल दसना चाहना है कि आज तो बाद जो रेस्टोरेंट है वो डाइन इन सर्विसिज भी जी ने प्रोवाइड फॉर कर सकते हैं और डाइन इन फैसिलिटी जी है ये 8 बजे तक शाम 8 PM तक रह सकती है और इस उस रेस्टोरेंट के 50 तो वह जो व्यक्ति एट ए टाइम इकट्ठे नहीं हो सकते या उस रेस्टोरेंट की जिनी कपैसिटी है वो 50%। मान लो किसी रेस्टोरेंट की कपैसिटी अगर 40 है तो उत्तर 20 बंदे ही वो हो सकते हैं, पर मान लो जो 100 तो वह कपैसिटी है तो वो 50 बंदे ही उत्थे जा सकते हैं। इस तरह ही होटल और होटल के अंदर जो रेस्टोरेंट ने वो भी अपनी 50% तक कपैसिटी या वो वह 50 जो गैसट ने या जे उन्होंने अंदर होटल के नहीं भी ठहरे हुए वो बंदे भी होटल से जाके डाइन इन खाना खा सकते हैं 8 बजे तक शाम को। और इस दे विच भी यही शर्त हैगी है कि जिहड़े बंदे उत्थे जाणगे उत्थे भीड़ ना होवे और उस दे अंदर 50% तो ज़्यादा कपैसिटी नहीं होएगी। इस तरह ही मैरिज और अगर कोई होर ओपन कोई फंक्शन किसी ने करना वो भी आज्ञा होएगी, पर वो जो 50 व्यक्ति है यहोजे फंक्शनों के आ सकते हैं और जदों भी कोई इस तरह का फंक्शन करना हैगा तो वो जी जानकारी है संबंधित SDO को देनी जरूरी होगी ताकि असी जी पुलिस से सिविल प्रशासन जाके उ जोड़ा इन्हों नियमों लागू करा सके। और ये एक गल होर वाजे की जाती है कि जोड़े होटल्स या रेस्टोरेंट के बार ने वो नहीं खुल सकते, पर फंक्शन के दौरान एक्साइज पॉलिसी के अनुसार जी हैगी है शराब या लिकर जी हैगी है वो सर्व की जा सकती हैगी है। और ये जड़ियाँ डिटेल्ड SOP और गाइडलाइनज इस लैटर के नाल आई ने 23/6/2000 के नाल ये असी सोशल मीडिया से थोड़े नाल जिहड़ा है इनू शेयर करांगे। मेरी सारे लुधियाना निवासियों को यह बेनती है कि वो ये जो रेस्टोरेंट के जाना है होटल के जाना तो 50 व्यक्तियों तो वध उत्थे इकट्ठ नहीं करना, किसी मैरिज फंक्शन भी 50 तो वध इकट्ठ नहीं करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, जिहड़ी मास्क है वो हमेशा नक्क तक उन्हूं पहन के रखना हैगा और इस तों अलावा जिहड़े हत्थ है उन्होंने वार वार साबण दे नाल धोना हैगा। मैनू पूरी उम्मीद है कि तुसीं ये जिहड़ियां हिदायतां इन्हां दी पालना करोगे और विआहां दे विच या फंक्शनां दे विच जिहड़े बहुत नेड़े रिश्तेदार ने 25 रिश्तेदार लाड़े वालों 25 रिश्तेदार लाड़ी वालों इस तों वध व्यक्ति मतलब दोनों पक्षों के 50 तो वध व्यक्ति मिल के इकट्ठे ना होण, जेकर तुसीं साडे नाल सहयोग दोगे तो ये खुल जारी रहेगी, पर जेकर कोई व्यक्ति इहदी पालना नहीं करता तो उहदे विरुद्ध जिहड़ा साडा कमिश्नरेट या SSP जिहड़े भी एरिए दे अंडर पैंदा तो मजबूरी वास्ते कार्रवाई करनी पेगी। मैनूं पूरी उम्मीद है कि तुसीं बड़े सोझवान हो पर इस तरह का कोई मौका सानूं सख्ती करन दा नहीं दोगे। धन्यवाद। वही होटल इंडस्ट्री ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे जहां लोगों को राहत मिलेगी वह सरकार को भी रेवेन्यू मिलेगा और वह सरकार के द्वारा जारी सभी नियमों का पूरी तरह से पालन करेंगे। अच्छा बहुत देर तो यदि वेट कर रहे थे, वी आर रियली थैंकफुल टू अवर गवर्नमेंट के इन्होंने एक स्टेप लेता है, लोगों को रिलीफ मिलेगा, होटल इंडस्ट्री नू रिलीफ मिलेगा एंड मोरओवर साढ़े क्लाइंट्स नू साढ़े गेस्ट नू रिलीफ मिलेगा जेडे बहुत ज़्यादा इस बारे वेटेड सीगे भी कदों थोड़ा बहुत स्टार्ट हो गए तो अपनी जो छोटे मोटे उन्होंने सैलीब्रेशन ने उन्होंने एक्नोलेज कर सकन या उन्होंने अपना इंडोर्स कर सकन। तो
ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਟਲ ਦਾ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਿਲੀਫ ਆਏਗਾ। ਟੱਚਵੁੱਡ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਸ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਿੱਕਤ ਜਾਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ। ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰਲੀ ਆਇਆ ਜੀ 50% ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ 50% ਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੋਰਮਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਫੂਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਫੂਡ ਸਰਵਿੰਗ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਂਡ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ IR ਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਾਸਕ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮਾਸਕ ਹੋਏਗਾ ਫੂਡ ਦੀ ਈਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਸਕ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਸਭ ਨੂੰ। ਜਾਗਰਤੀ ਲਹਿਰ ਕੇ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਅਰੋੜਾ, ਸੋਨੀ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ।